हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और नैन्सी स्कूल जा रही है तो मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। मतलब गोलू की छुट्टी है, नैन्सी स्कूल जा रही है, रोज़ कुछ खा के नहीं जाती हैं तो आज मैंने सोचा कुछ बना दूँ। इधर साइड में मेरी चाय बन रही है, मैं अपने लिए और नैन्सी के लिए बना रही हूँ। इधर मैं जा रही हूँ नैन्सी के लिए ये बेसन का चिला बनाने, तो ये एक ही चिला बनाऊंगी नैन्सी के नाश्ते के लिए। तो इसमें मैंने एक छोटू सा, बिल्कुल छोटू पाउच उसका चिली फ्लेक्स का डाला है, और एक छोटा टमाटर जिसमें मैं से आधा कट करके डाला है, और प्याज आधा छोटा सा मतलब था तो उसमें आधा ही कट करके डाला है, और नमक डाला है थोड़ी सी, बिल्कुल हल्दी डाली और कुछ नहीं डाला, मिर्च वगैरह वैसे अलग से नहीं डाला है। तो यही मैं नैन्सी के नाश्ते के लिए बना रही हूँ। आप लोग देखिए वीडियो। ये तुम्हारा चिला बन के तैयार हो रहा है, समझी तुम? तुम्हारे हेल्थ के हिसाब से मैंने बनाया है नैन्सी, कि जैसे तुम मतलब हेल्दी हो तो इसीलिए मैंने थोड़ा इसमें वेजिटेबल ज़्यादा डाल दिया है। इसमें और भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, जैसे बीन्स की फली हो गई, और भी चीज़ें हैं हल्की फुल्की, हरी हरी सब्जियाँ वो डाल सकते हैं। तो ये नैन्सी का चिला बन के तैयार हो चुका है अभी, मतलब वो पूरा नहीं तैयार हुआ है, एक तरफ का तैयार हुआ है, दूसरी तरफ का भी सेकेंगे फिर नैन्सी को देंगे, नैन्सी नाश्ता करके जाएंगी। बेसन का चिला, थोड़ा सा बेसन बचा था मैंने बना दिया, ये भी पराठा सेकती तो नहीं खाती नैन्सी। तू हंस के बोल लो ये जान जी के दर्द। और इधर मेरी चाय है स्पेशल वाली, ज़्यादा स्पेशल नहीं है, ठीक ठाक है। सुबह सुबह अच्छी चाय पी लो तो सुबह अच्छी रहती है। मॉर्निंग में टी मतलब नॉर्मल चाय जो होती है तो थोड़ा मन ख़राब हो जाता है, इसको पीने से थोड़ा मन सही रहता है। जो चाय के लवर्स लोग हैं उनके लिए है ये, जिनको चाय ज़्यादा पसंद है, जैसे हम हैं, हमको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मेरी फेवरेट है चाय। खाना ना मिले चाय मिल जाए। इधर नैन्सी रेडी हो चुकी हैं, एक तरफ सेफ्टी पिन अभी मैंने इनके दुपट्टे में लगाया। नैन्सी सी हाय, गुड मॉर्निंग कर लो, नमस्ते कर लो, हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो इनके दुपट्टे में अब एक तरफ और सेफ्टी पिन लगाऊंगी मैं, इनकी चुटिया बनाऊंगी, फिर मिलूंगी आप लोगों से। इधर चिल्ला मेरा तैयारी हो रहा है इनका नाश्ते वाला, सिक ही गया है लमसम। एवरीवन, तो अभी तो सुबह ही है, अभी मैं नहाई नहीं हूँ। ये मैं साड़ी आपको दिखा रही थी कि कल मैंने इसको निकाला था, वहाँ जा रही थी देवरानी के वहाँ अपने, तो उसको मतलब इसी को पहन के जाने वाली थी, निकाला था, लेकिन ये इतनी हैवी, नीचे से इतनी हैवी साड़ी है, बहुत हैवी साड़ी है, तो फिर मैंने इसको नहीं पहना था, मैच कर रहा था तो मैंने रेड उसका इसी का ब्लाउज ये पहन लिया था मैंने। मतलब अलमारी में ज़्यादा हैंगर मेरे पास नहीं है, मतलब 6 हैंगर थे तो एक टूट गया था, तो जो मुझे मतलब हमेशा ही पहननी होती है तो एक एक हैंगर में किसी किसी में दो दो साड़ियाँ लगाई मैंने, और एक ये है मतलब पहनती नहीं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए ये कॉटन साड़ी है, इसको मैंने पहना दिखाया है वीडियो में है मेरे। एक ये है, ये भी बहुत मतलब देखने में तो बिल्कुल पतला बॉर्डर लेकिन बहुत हैवी साड़ी है, इसको भी मैंने पहना है एक वीडियो में किसी में, ब्लू कलर की है। बाकी की साड़ियाँ मेरी सब मतलब डेली वेस वाली, मतलब डेली क्या, मैं रोज़ ही कोई ना कोई साड़ी पहनती रहती हूँ, तो इधर सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं, पूरा नीचे से तह लगा के मैंने इधर नीचे से पूरा ऊपर तक इधर रखा है, बाकी का इधर टांग रखा है, और नीचे वाले इसमें नीचे दराज में ओके है। मतलब मुझे सूट नहीं पसंद है, मेरी देवरानी वगैरह सब मतलब सभी लोग सूट पहनते हैं लेकिन मुझे सूट पहनना नहीं पसंद है, तो मैं साड़ी पहनती, मुझे बहुत पसंद है साड़ी पहनना, तो मैं अपना मतलब मैं न्यू साड़ी रखती नहीं, जो भी साड़ी आती मैं तुरंत पहन लेती हूँ उनको। हेलो एवरीवन, तो अभी बज रहा है 10 बज रहा है, और आज मुझे पूजा करने में लेट हो गया क्योंकि कपड़े ज़्यादा थे स्कूल वगैरह के, इन लोग के गोलू के थे, नैन्सी का वाइट यूनिफॉर्म था,
और भी चादर वगैरह धोई है तो देर हो गई, तो अभी मैंने पूजा करी है, अभी अभी जस्ट करी है पूजा। आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए भगवान जी का। तो मैं यहाँ पे अपने लिए मूंगफली भून रही हूँ। आज मेरा व्रत है, फास्ट व्रत, मतलब आज वो है सोमवार है, मंडे है, तो ये थोड़ी सी मूंगफली मैं इतना भून रही हूँ, थोड़ी सी रखूँगी नैन्सी के लिए। नैन्सी खाती है तो स्कूल से आएंगी अभी 11 बजे, तो थोड़ा सा उनके लिए रखूँगी। और ये चाय बार बार दिखाती हूँ आप लोगों को, आप लोग सोचते होंगे बार बार चाय ही दिखा रही हैं। हो गया, हरा धनिया दे दो। गोभी के हिसाब है, अभी मैं सब्जी लेने आई हूँ, वो वीडियो ख़राब हो जाते हैं तो फिर हो। ये सब्जी वाले भैया हैं, बहुत अच्छी सब्जी रहती है इनकी, मैं यहाँ रोज आती हूँ सब्जी लेने। एक भैया इधर है, वो भी देखो भैया, जो भी मैं सब्जी लेने आई हूँ। हाँ, एक ही चीज़। अच्छा, लो बताओ। हरी मिर्च भी दे देना भैया, तो सब्जी लेके फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये लोग जब मैं आलू उबालूंगी तो वही आलू ये लोग खाते हैं दही से, और रोटी अगर खाएंगे आलू से तो रोटी बना दूंगी इन लोगों के लिए। नैन्सी स्कूल से आ चुकी हैं, बैठी मूँगफली कुछ खा रही हैं, तो जा रही हूँ आलू रखूंगी। अभी 12 बज रहे हैं, अकेले अकेले सुबह से रात हो जाती, भागते 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 भागते, मतलब सब्जी लेने भी जाओ सब सामान पूरा थक जाती हूँ कभी कभी। अब सब्जी लेने गई वहाँ से, अभी इसको भेज देती गोलू को कि जाओ आलू ले आओ, तो ये जाता तो कैसे भी उठा के ले आता है, मतलब देख के नहीं लाता है। अरे थोड़ा सा कम दूर मचाओ, वीडियो बना रही हूँ। तो मैं आलू बना रही हूँ, आलू फ्राई कर रही हूँ, अभी 2 बज रहा है, तो इसको मैंने फ्राई कर दिया। जीरा और टमाटर से मैं करती हूँ हमेशा, ऊपर से हरा धनिया डाला है, अभी इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी। और ये जो रात में मैंने जो दूध फट गया था वो था, इसका मतलब आधा ज़्यादा ही ख़त्म हो चुका है, क्योंकि नैन्सी मतलब खा चुकी है निकाल निकाल के। तो मैं इसको बना ही रही थी, मतलब चला रही थी, तो नैन्सी ने बोला कि मम्मा इसको ऐसे ही मतलब बस बंद कर दीजिए, दाने दाने मतलब जैसे रहता है, तो बोली कि रहने दीजिए इसको, मैं ऐसी मतलब चम्मच से खाऊंगी, बनाइए नहीं। और मुझे मन भी नहीं हो रहा था क्योंकि थक गई थी, इतनी ज़्यादा देर हो गई थी, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही वो कर दिया था, गाढ़ा कर दिया था, फ्रिज में रख दिया था। तो और नैन्सी खा चुकी, इतना बचा हुआ था मैंने सोचा दिखाऊंगी, सुबह से टाइम नहीं मिला, तो अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और आलू मेरा तैयार हो रहा है। तुम्हारा पेपर तो नैन्सी मैथ का हो चुका था ना, हाँ नैन्सी मैथ का पेपर तो हो चुका था ना तुम्हारा, दूसरा है ना, मैथ फर्स्ट हुआ था, मैथ सेकंड नहीं हुआ। काहे में मेरी तरफ ही कर रहा जमा, तो इनका पेपर हो रहा है, नैन्सी का एक पेपर हो चुका था, दोबारा अभी बचा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी अच्छी आती है फेस की, तो इनका पेपर अब आ गई है स्कूल से, अभी ये अभी आलू का इंतजार कर रही है। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, तो ज़्यादा ना सा बोलो नहीं मार देंगे सेम, वीडियो बनाते टाइम ज़्यादा मजाक नहीं करा करो, उनको अच्छा नहीं लगता। हाँ इतना तफरी कर रही है, मजाक कर रहे हैं, वीडियो बनाते टाइम जब मैं इधर मेरी तरफ कैमरा रहता तो इनका ऐसे ही ड्रामा चालू रहता। तो चलिए फिर आप लोगों से, तो अभी मैं जा रही हूँ आलू खाने, ये मेरा व्रत वाला आलू है और दही है। और अभी टाइम क्या हो रहा है, 2:30 हो रहा है, 2:30 बज रहा है। आती तो आज मैं वीडियो में ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरा फास्ट भी था और दोपहर से ही मतलब मेरे घर से फ़ोन आ गया था कि मेरी दादी, आवाज़ कम कर लो रानी, मेरी दादी की मतलब मेरी दादी 100 साल से ऊपर की हो गई हैं, और 2 साल से मतलब वो 2 साल से बिस्तर पे ही पड़ी हैं, मतलब उनकी सेवा होती है, ऐसा नहीं मतलब सेवा करी जाती, बिस्तर ही पे रहती हैं। तो अभी उनकी मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, सुबह से मतलब उनको दिक्कत है, तो वो कुछ खा पी नहीं, मतलब उनको चाय वाय पिलाई जा रही है तो कुछ भी उनके मतलब पेट के अंदर मतलब मुंह से नहीं जा रहा है। तो सुबह से ही मैं उसी में लगी थी कि मतलब पता चल जाए कुछ, मतलब मालूम हो जाए, तो दिमाग वहीं पे लगा हुआ है, क्योंकि सब लोग घर में और सब लोग में अगर कुछ ऐसा होता भी है उस मतलब अगर वो उनको कुछ ऐसा हो भी जाएगा तो मैं जा भी नहीं पाऊंगी अभी, क्योंकि
इन लोगों का पेपर चल रहा है 22 तारीख तक इन लोगों का पेपर है, तो आज मेरा कुछ वैसे बनाने का व्रत था तो मैंने वही आलू फ्राई किया था और बीच में मैं कोई वीडियो नहीं बनाई। मेरा दिमाग टेंशन में है। हमारी दादी बहुत मतलब बहुत अच्छी हम लोग को इतना मानती, मतलब मतलब इस टाइम में जो दादी मतलब बहुत ही कम, मतलब हम 4 महीने थे, इतना जान से ऊपर सबसे ज़्यादा मतलब मुझे ही मानती थी। और अगर कुछ ऐसा अभी वही टेंशन में दिमाग की भगवान अभी कुछ मतलब 2-4-10 दिन ना करें, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर मैं जा भी नहीं पाऊँगी तो मुझे बहुत अफसोस हो जाएगा, लास्ट टाइम उसको देख नहीं पाऊँगी। तो सब लोग तो और मतलब बड़ी मम्मी उम्मी मेरी सब थोड़ी दूर में रहती हैं, बाहर रहती हैं गाँव से, तो सब लोग आए हुए हैं तो मेरा वहीं पे मन लगा हुआ है। बार बार फ़ोन कर रही हूँ, घर बार बार पूछ रही हूँ तो क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आता, तो इसलिए वीडियो भी बनाने का मन नहीं किया। और कुछ अभी व्रत है मेरा तो देखो, अगर मैं कुछ बनाती हूँ अपने लिए क्या बनाऊँगी, कुछ मन ही नहीं हो रहा पूरा मेरा। ये पता नहीं क्यों गाल पूरा ये सब दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो देखती हूँ अगर कुछ होगा तो बताऊंगी आप लोगों को, नहीं तो फिर अब क्या बोलूँ, इनका पेपर हो जाएगा तभी मैं जाऊंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो देख लीजिएगा पूरा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि कल की सुबह अच्छी हो, कुछ मतलब मेरी दादी को हो ना अभी।